जय राम जी की। एक वक्त था जब अंबेडकर नगर बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी का गढ़ ये टूट गया। विधानसभा में एक भी सीटें बीएसपी के खाते में नहीं जा सकी, न केवल बीएसपी बल्कि बीजेपी के भी खाते में एक भी सीट नहीं जा सकी। इस बार कटेरी में विधानसभा के उपचुनाव हैं, बसपा ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अमित कुमार को यहां से उम्मीदवार उतारा है। अमित कुमार वर्मा जो पटेल समुदाय से हैं, लालजी वर्मा भी पटेल समुदाय से हैं, तो क्या है माहौल ये जानने के लिए कटेरी के लोकल चौक पर न्यूज़ 24 है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद सर। हमारा नाम सियाराम भारती है, मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कटेहरी। अच्छा, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि बसपा का ये बड़ा गढ़ हुआ करता था, तो दलित मतदाता या एससी मतदाता या जो अम्बेडकरवादी हैं या जो बहन जी के समर्थक हैं, वो अभी चुनाव में किस तरीके से अपने को देख रहे हैं? अभी दलित मतदाता सर हमारे अभी भी मुखर्जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग साथ थोड़ा छलावा हुआ है संविधान बचाओ के चक्कर में, लोग आके कह गए संविधान हम बचाएंगे, जो कभी संविधान की बात ही नहीं करता है वो संविधान कैसे बचा सकता है सर? अरे 19 में तो उसी के साथ आप लोग मिलकर चुनाव जी, वही तो सर हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ। फिर SC ST का सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया वर्गीकरण का, कोई लोग उसमें बोलने नहीं आया, क्यों नहीं आए? बात मुद्दा है PAD का, तो PDA पॉलिटिक्स में लोग तो कहे कि संविधान आरक्षण जैसे मुद्दों के सहारे लोकसभा में, यही सब झूठा है, यही बात झूठी है। वो लोग झूठा गुमराह करके हमारे समाज का वोट ले लिए तो हमारी पार्टी पिछड़ गई, और हमेशा हमारी पार्टी यहाँ सब हमेशा चुनाव जीतती थी, जीतती है, जीतेगी भी। एक बात बताइए, जो जिस पार्टी की सरकार 2006 में पूर्ण बहुमत की रही, उस पार्टी का 2024 में 2022 में बिल्कुल खाता नहीं खुला, आखिर क्यों ऐसा हुआ? लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ BSP ने अपना वैचारिक, हाँ सर वही तो बात है, बीजेपी की बीटी बसपा नहीं है, सपा है सर। आप देख लीजिए कहीं भी मंच पर, अभी अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ योगी जी या मोदी जी के साथ में कान में क्या कह रहे थे, हमारी पार्टी कोई नेता गया हो तो बताइए सर, बीटी कौन हुई? तो बीटी में हम लोग थोड़े हैं, बीटी समाजवादी सरकार है। कितने दंगे इस समय चल रहे हैं इस सरकार में, कहीं रोक है? बहराइच में देखिए, आप देख लीजिए कितना बड़ा दंगा चल रहा है, न शासन न प्रशासन न सरकार कोई ध्यान दे रही है। अच्छा, तो इस बार कटेहरी में क्या क्या कटेहरी में कटेहरी में इस बार अमित वर्मा जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे, चुनाव जीतेगी हमारी पार्टी भारी बहुमत से, सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सदल भारती है। अच्छा, शक्कर जलालपुर। SC समुदाय से आप लोग भी हैं? जी जी। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि SC के समुदाय में तो लोग कहे कि PDA पॉलिटिक्स, हम लोग इसीलिए पूछ रहे हैं कि इस बार के जो बहन जी के जो समर्थक थे वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए या कुछ अखिलेश यादव के साथ चले गए कि आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ जैसे? बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। हमारे जिला अम्बेडकर नगर से हमेशा बहुजन समाज पार्टी जीतती है। यहाँ तो लोग गुमराह करके आते हैं, जो छलिया नहीं होते हैं, जो विधायक सांसद हो जाते हैं तो मोटी रकम कमाने के लिए और कहीं भाग जाते हैं। बरगद के नीचे कभी छोटा पौधा उत्पन्न नहीं होता है, तो ये अपने माँ बाप को लड़ाने लगते हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इनको हटा देती है। फिर दूसरे प्रत्याशी तो यही लालजी वर्मा, तो पिछली बार 12 में वो BSP से ही जीते। अरे भाई, वो सपा में आ गए, फिर वो लोकसभा के सांसद, तो आपकी वो खत्म है, खत्म बस जहाँ तक जाना था, जहाँ तक जाना था चले गए। कौन से वोट बैंक से जीतेगी BSP? है BSP? BSP यहाँ कटेरी विधानसभा से उपचुनाव में अमित वर्मा जी जिंदाबाद होंगे। अरे कोई समीकरण है भैया? बताओ भैया समीकरण। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की इस बार साथ है, और अमित वर्मा जी को जो इस बार लोग उपचुनाव में विजयी बनाएंगे। अमित वर्मा के ही गुणगान कर रहे हो? नहीं जी सर। अच्छा, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि संविधान आरक्षण ये सब कुछ मुद्दा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुद्दा है कि इस बार जो है कटेरी की सीट बचाना है, क्योंकि इस सीट जो है गए 12 साल हो गया, और 12 साल में सारा खड़मंडल मचा दिया गया। विपक्ष जो है कहीं जाति समीकरण बना रही है, कहीं कह रहे कि हम संविधान को ही बदलने वाले हैं, तमाम तरह का हवा उड़ा करके हमारे छोटे दलित भाइयों को बरगला कर अपने साथ ले गई। लेकिन उसका खामियाजा अब ये लोग भुगतेंगे कि हमारे दलित भाई सब वापस आ रहे हैं बसपा में, और बसपा को अपनी चुनाव जिता के रहेंगे। अच्छा जी, तो ये BSP जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी भी कह रही है कि हम भी
बीजेपी की लड़ाई इस तरह की है कि ये तो जुमला चला आ रहा है 2014 से, ये तो आपको नहीं पूरा यूपी को पता है। तो लोग तो कहते हैं कि बहन जी पहले जैसा विरोध नहीं करती है बीजेपी का या अन्य राजनीतिक दलों का जैसे पहले वो करती थी लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, बसपा जब गठित हुई थी तो वो ए टीम थी, आज भी ए टीम है, बाकी लोग नाम चाहे जो रखे, ये जनता है, कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ पाएगा, कौन क्या कह रहा है, किस पार्टी से कोई क्या कह रहा है, अपना फायदे के लिए सारे लोग जो है एक माहौल बना क्रिएट करते हैं। ये जो कहते हैं कि बीएसपी के समर्थक बीजेपी में शिफ्ट हो गए, ये सब अफवाह है, गलत बात है। ये बसपा बसपा को कोई भी नेता या कार्यकर्ता कभी किसी पार्टी में नहीं जुड़ा है, ना ही जाएगा। वो अफवाह उड़ाया जाता है, अफवाह, सिर्फ अफवाह उड़ाया जाता है बस, और कुछ नहीं। आप लोग भाई साहब क्या नाम है आपका? सुरजीत गौतम, सेक्टर अध्यक्ष विधानसभा कटहरी। अच्छा, बीएसपी से हैं? बीएसपी से हम, बीएसपी से। तो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी, बताइए, जो जिस मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर को जिला बनाया उसी पार्टी का खाता नहीं खुला, 2022 में नहीं खुला, 24 में यहाँ नहीं जीते। वो वही पार्टी कह रही है जो 2012 में कटहरी विधानसभा रमा शंकर सिंह ने लड़ा था, केवल 8,000 वोट पाकर सिमट गई, वही हल्ला कर रही है। आज हम बिना मतलब प्रचार के 43,000 वोट पाए हैं, ये गलत बात है। वो 8,000 वाले कह रहे हैं, हम लोग तो जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, ये लोग बीजेपी वाले भी बहुत हल्ला मचाते हैं कि अब बीएसपी के जो वोटर थे वो हमारे साथ आ गए हैं, पीडीए वाला जो फॉर्मूला वो कहता है कि नहीं देखिए आरक्षण और संविधान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब गलत बात है, हमारा यहाँ कटहरी का मतदाता बहुजन समाज का है, बहुजन समाज पार्टी का रहेगा, ये तो अफवाह केवल है। क्या बताइए, क्या बताएं, हाँ क्या बताएं? अरे नेताजी आइए इधर। हाँ, अच्छा आप बताओ भाई क्या नाम है? जितेंद्र प्रताप नाम है। एक बात बताओ, अब तो लोग चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं कि अब हम नेता हैं दलितों के, बड़े नेता एस सी के। हाँ सब वोट कटुआ है, कोई दिक्कत नहीं उससे, वोट कटुआ है, ऐसे ही जीत गए नगीना से। अरे नगीना एक सीट जीते ना, बीएसपी तो वो भी एक सीट नहीं, वहाँ वो भी 80 सीट थी, वो भी 80 सीट थी ना, वहाँ दलित बाहुल क्षेत्र था ना, इसलिए वहाँ जीत गई। बताओ भाई साहब क्या बताएं, इस समय जो है जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो है अब की इस बार जो है कटहरी से चुनाव जीतेगी। अरे तो आजाद समाज पार्टी भी कह रही, चंद्रशेखर जी भी, कि अब एससी के नेता हम हैं। जी जी, तो बहन जी के वोटर थे वो हमारे साथ हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें समय होता है, इस समय भाजपा की सरकार है, उसमें आप देख रहे हैं कि एक भी नियुक्तियां नहीं करवा पा रहे हैं, और जितने भी नवयुवक साथी हैं रोड पर घूम रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। जमीनी स्तर पर जो बहन जी की सरकार थी उसमें इतनी भर्तियां हुई हैं, इतनी भर्तियां हुई, कोई भी नवयुवक से मुख से आप नहीं कहेंगी जो है हम लोग जो है रोड पर घूम रहे हैं। उस समय की जो सरकार चल रही, समय होता है, सबका समय आता है, तो इस समय जो ये समय चल रहा है जमीनी स्तर पर, भले ही नहीं बसपा की सरकार है, एक सीट नहीं जीती है वो अलग बात है, लेकिन यही कह रहे हैं कि भाई उससे अब तो नया जो अम्बेडकर नगर की जो ये स्थिति है अम्बेडकर नगर की, जितने भी नेता हैं आज, चाहे वो भाजपा में हो चाहे सपा में हो, सब बहन जी की देन है, बहन जी की बदौलत ही बने हैं, चाहे जो भी सांसद या विधायक बने हैं। कि अब नेतृत्व बदलता रहता है, नेतृत्व बदलता रहता है। पहले काशीराम जी के सानिध्य में बहन जी आई, तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई केतली छाप उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर अकेले जीत गए, वो बीएसपी एक भी सीट जीत गए हैं, चंद्रशेखर जी एक सीट जीत गए हैं, वो अपना उनका व्यक्तिगत रहा है जो भी जीत गए हैं, लेकिन जो उसमें बहुत भी धोखा भी हुआ है, जो इस बार जो है चुनाव होगा कटहरी विधानसभा में, वो माननीय अमित वर्मा जी जीतेंगे, जो जमीनी हकीकत है।